हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। और गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। और आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि हमारे चैनल में आपको ऐसे ही गेमिंग वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे सिटी में सबसे बड़ा एक रियल गैंगस्टर आया है, तो आज हम जा रहे हैं भाई उससे मिलने, क्योंकि उन्होंने हमको बुलाया है। पता नहीं क्यों उन्होंने बोला कि हमें अर्जेंट काम देने वाला है, लेकिन भाई हमें तो फिलहाल नहीं पता है कि उन्होंने हमको क्या काम देगा। बट फिलहाल तो हम चलते हैं उनके पास, और उनके पास जगह भाई पता करेंगे कि उन्होंने हमको क्यों बुलाया है। आई थिंक उन्होंने हमको एक बड़ा सा काम देगा इसलिए बुलाया है, क्योंकि इस सिटी के अंदर मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो उनके लिए काम कर सकता हूँ, क्योंकि उनके जान पहचान का इस सिटी में अभी तो कोई है नहीं। फिलहाल तो वो इस सिटी में न्यू आया है इसलिए। तो गाइज, इस सिटी के अंदर जितने भी इलीगल काम होता है सब भाई इस गैंगस्टर का है, और इनका नाम पुलिस के खाते में भाई भर गया है इनका नाम, क्योंकि भाई ये सबसे बड़ा गैंगस्टर है सिटी का। पुलिस इनको कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है, लेकिन भाई इन्होंने हमको बुलाया है, देखते भाई क्या काम देता है। तो ये तो यहाँ पर खड़ा है और मैं इनको कहीं और ढूंढ रहा था। चलो भाई इनसे बात करते हैं, देखते हैं भाई इन्होंने हमको क्यों बुलाया है, फिलहाल तो हमको नहीं पता। अरे ये तो भाग रहा है। अबे कहाँ भाग रहे हो सर, हम इधर है। अरे सर मैं इधर हूँ, आप कहाँ जा रहे हो। मैं इधर हूँ, आइए सर क्या काम है बोलिए, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो सुनो, इस सिटी के अंदर एक नया गैंगस्टर आया है जो मेरे हर काम में बाधा डाल रहा है, और उसने मेरी कई सारे फैक्ट्रियाँ सील करा दी है, और पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं उसको मारना चाहता हूँ, और इस काम में तुम मेरा हेल्प करोगे। लेकिन सर मैं आपका हेल्प कैसे करूँगा। मुझे पता चला है कि वो आज इस रोड से कहीं पर जाने वाला है मीटिंग में, वो बहुत ही बड़ा आदमी है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक सिटी के अंदर सामने जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है ना, उस बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठना है, और जब मैं बोलूँ उसको स्नाइपर से उड़ा देना है, या RPG से उसका ठुल्ली ठुल्ली कर देना है। ठीक है सर, मैं आपकी बात मानूंगा, फिलहाल तो आप चिंता मत करिए, मैं उसको ऐसा मारूंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा, वो खड़ा होने का नाम भी नहीं लेगा। सर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। लेकिन सर इस काम को करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा। तुम जितना चाहो उतना पैसा दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हें मैं आमिर बना दूंगा, माला माल कर दूंगा, फिलहाल तो तुम ये काम करो। ठीक है सर, आप अपनी बात रखना, मैं अपना बात रखूंगा। तो गाइस फटाफट से चलते हैं भाई वहाँ पर। तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे तो चाहिए एक हेलीकॉप्टर, तो सर ने मेरे को एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया है, तो उसी को हमने बुला लिया है, अभी इस हेलीकॉप्टर में चढ़ के जाएंगे। तो सर आप अपना ख्याल रखना, और आपने जो बताया वो याद रखना, मेरे को भाई मालामाल कर देना इस काम के बाद। हाँ हाँ कर दूंगा, फिलहाल तो तुम अपने काम अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, तभी तुमको मिलेगा। ठीक है सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपना काम एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए सर। तो यहाँ पर गाइज ये जो बिल्डिंग है ना काफ़ी ऊंचा है, यहाँ से तो मारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि उस तरफ जो बिल्डिंग है वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, जब भाई उस बड़े आदमी का कार जाएगा तब मैं उसको एकदम उड़ा दूंगा स्नाइपर से। तो फटाफट से चलते भाई उस घर के ऊपर जाके भाई वहाँ पर लैंडिंग करते हैं, और वहाँ पर लैंडिंग करने के बाद हमें उस वहाँ पर एकदम छुपके से बैठना है, ताकि कोई हमको देख ना ले, क्योंकि पुलिस वाले देख लेंगे तो भाई मेरे को अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही बुरा काम करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर लैंड कर दिया है, और फटाफट से मैं यहाँ पर अपना पोजीशन ले लेता हूँ जहाँ पर मेरे को बैठ के उसको मारना है। तो गाइस चलिए मैं अपना पोजीशन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रिस्क है। अरे भाई मैं गिर गया भाई, अरे मैं कैसे गिर गया यार, यार कैसे गिर गया मैं, मेरे को पता भी नहीं चला मैं कैसे गिर गया यहाँ से। चलो भाई यहाँ से उठते हैं यार, मैं पता नहीं कैसे गिर गया, एकदम खड़ा है यहाँ पर भाई, मेरे को पता भी नहीं था कि मैं गिर जाऊँगा। अब मैं ऊपर कैसे जाऊँ, अब मैं पोजीशन तो कैसे लूँगा भाई। यहाँ पर एक बाइक बुला लेता हूँ, बाइक में कूद कर जाएंगे, बाइक के ऊपर से कूद कर जाएंगे। चलो ओके, यहाँ पर एक बाइक आ चुका है, चलो भाई इस बाइक के ऊपर से कूद के हम इसके ऊपर चलते। अबे यार क्या गिलिच है, अबे मैं ऊपर कैसे जाऊँगा, मैं ऊपर नहीं जाऊँगा तो मैं मारूँगा कैसे, सर तो मेरा कसुम्बर बना देगा अगर मैं उसको नहीं मार पाऊँ। अबे यार क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं छुप के मार सकता था, बट यहाँ पर कुछ गिलिच है इसलिए मैं नहीं मार पाऊँगा, क्योंकि यहाँ से मेरे को दिखाई नहीं देगा कोई कार वगैरह। चलो भाई बाइक को उठाते हैं, और एक काम करते हैं सामने से उधर मतलब सामने जाके बाइक को रख देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर चलते हैं, आई थिंक यहाँ पर बैठ के हम मार पाएंगे। चलो भाई देखते हैं यहाँ से मार पाएंगे कि नहीं, चलो फटाफट से उठते हैं। चलो अबे कूदना, कहाँ क्या हो रहा है यार, पूरा बाइक भाई लेट गया। चलो मेरे को दोबारा से बाइक को खड़ा करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ एक नया बाइक बुला लेता हूँ। चलो अबे 8,000 नहीं 8,800, चलो भाई यहाँ पर एक बाइक आ चुका है, चलो भाई इसके ऊपर से कूद के चलते। ले भैया, अबे तू भी लेट गया, चलो भाई
हम आ चुके हैं ऊपर और यहाँ से मेरे को पोजीशन लेना है। तो देखते हैं भाई यहाँ से कोई कार वगैरह जाता है कि नहीं। लेकिन भाई सबसे पहले हमको सर को कॉल करना पड़ेगा और सर को कॉल करने के बाद उन्होंने हमको जो कार बताएगा उस कार को हमको उड़ा देना है। तो चलिए सर को कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना जो सर का नंबर है वो डायल कर लेता हूँ। गाइज आप लोग मेरे सर को बिल्कुल भी कॉल मत करना। हेलो सर, किसको मारना है? यहाँ पर तो कोई नहीं है सर, बताइए किसको मारना है। तुम अपने फोन को ऑन करके पॉकेट में रखो, जब भी वो दिखेगा मैं तुमको बोल दूंगा उसको मारने के लिए। ठीक है सर, मैं अपने फोन को ऑन करके पॉकेट में रखता हूँ। लेकिन सर यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं किसको मारूँ? तुम चुपचाप खड़े रहो, जब भी वो बंदा दिखेगा मैं तुमको बोल दूंगा। ठीक है सर, मैं यहाँ पर खड़े रहता हूँ। सर एक कार आ रहा है, क्या मैं उसको उड़ा दूँ? नहीं, उसको बिल्कुल मत उड़ाना, वो नहीं है, उसको जाने दो। मैं किसी बेकसूर की जान नहीं लेना चाहता, जब भी वो बंदा दिखेगा मैं तुमको बोल दूंगा। ठीक है सर। वो देखो ग्रीन कलर का कार जा रहा है, उसको उड़ा दो। कहाँ पर सर? तुम्हारे सामने है देखो। हाँ सर दिख गया, लेकिन सर वो तो बहुत दूर है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, उसको मार दो। ठीक है सर, मैं उसके ऊपर RPG छोड़ा है, वो देखते है गाइस मरता है कि नहीं। सर आप टेंशन न लीजिए, मैं उसको मार के छोड़ूंगा। सर मैंने उसके गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया है। वाह वाह शाबाश, मैं बहुत खुश हुआ। जाओ तुम्हारे घर के बाजू में जो प्रॉपर्टी है वो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, और तुम्हारे घर बहुत सारे कार भी भेज दिया, तुम्हारे घर बहुत सारा पैसा भी भेज दिया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, अब मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा। शुक्रिया आपका सर। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को कर देना एक सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।